यार लिटरली इनसाइड जगह है और गहरा है। अच्छा गहरा है कि नहीं नहीं मालूम, लेकिन अंदर जगह है इसका। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू आर वाचिंग सोहेल व्लॉग्स एंड आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। आज फिर एक राइड होने वाला है ज़बरदस्त। वी आर गोइंग टू बर्दमान भालकी मचान। प्रॉपरली हमको भी नहीं पता है क्या है, फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं, फिर भी एक बता दिया आपको किस जगह जा रहे हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू बर्दमान भालकी मचान, एन ऑसम प्लेस आई हैव हर्ड, बहुत अच्छा प्लेस है। दो दिन का ट्रिप है, आज जाएंगे, आज रहेंगे, फिर संडे को लंच करके वहाँ से रिटर्न। वहाँ जाके आपको हम दिखाएंगे क्या दिखा सकते हैं क्या नहीं, ऑल टोटल टुगेदर क्या है घूमने लायक। आई विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन। अच्छा लगेगा तो जाहिर सा बात है वीडियो लाइक कीजिएगा, और बहुत अच्छा लगे तो शेयर, और मन अगर किया काम सही लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिलहाल वी आर गोइंग ऑन अ राइड एंड द राइड इज़ गोइंग टू बी ऑसम। और काफ़ी दिन बाद राइडिंग जैकेट डाल चुके हम, जो कि राइडिंग जैकेट डालने के लिए तरस रहे थे इतने दिन से। सो लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेकिन अभी जाएंगे नहीं, अभी तो टाइम लगेगा जाने में, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं, लेट मी शो यू एक ही बाइक है, और नहीं दो बाइक है, एक मेरा बाइक है, एक और उस पार में बाइक है। लेट मी शो यू माई बाइक का। सो दिस इज़ माई बाइक, वहाँ एक, उसके बगल में एक और, दो, टोटल टू बाइक्स, थ्री बाइक्स। Morning. So this is again the January night for East India Cannons. So hope we'll be bashing it. क्योंकि कपड़ा जा रहा है, स्पॉन्सर को साथ में लेके जा रहा है, तो कोई गुंजाइश नहीं होगा। ठीक है, हमारा भालकी मचान जाची तो प्लांट है रोपों माटी के। आज के we will be staying at भालकी मचान। सो राइट नाउ वी आर एट द हिंदुस्तान ढाबा। गैंगटॉक जाने से पहले भी यहाँ का हम लोग बैठा था, नाश्ता किया था। फिलहाल आई थिंक वी आर गोइंग टू हैव टी, चाय पीने के बाद वहाँ से फिर हम लोग फिर यहाँ से निकलेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदुस्तान ढाबा, उससे पूछ ले पहले। तो तीस बाइक्स आ गया टोटल, 16 or 17 बाइक्स, एंड दिस इज द हिंदुस्तान ढाबा। और मज़ा है, मज़ा। सो बेसिकली अभी इसको लाइनर को जैकेट में लगाएंगे। गाड़ी चला रहे, बाइक चला रहे, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। हम सोचा था ठंडा नहीं लगेगा, लेकिन मैश होने की वजह से ठंड काफ़ी लग रहा है। सो अभी इसको लगा ले, चाय पी ले, उसके बाद निकलेंगे। तब तक के लिए एंजॉय द टाइम लैप्स। सो वी हैव टेकन अ हॉल्ट नियर बर्दवान। शक्तिगढ़ क्रॉस कर लिया था हम लोग, एक हॉल्ट लिया गया है पीछे से, आप देख सकते हैं पूरा बाइक्स है। तो अभी आई डोंट नो, अभी शायद 10 से 15 मिनट, शायद आधा घंटा भी लग सकता है पहुंचने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड और देखते हैं कब पहुँचेंगे। मैं पीछे आप देख सकते हैं पूरा बाइक्स है। तो फिलहाल ठंड है, थोड़ा बहुत अच्छा ठंड है, मज़ा आ रहा है ठंड में। और
और आनंद उठाइए आप लोग भी। Alright, so got the room, एकदम बगान मतलब गार्डन, बहुत बड़ा गार्डन है। सबसे लास्ट वाला रूम लिया, एकदम किसी का आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, और सुख शांति से अभी रूम के बाहर आए हैं। सो मेरे पीछे देख ही सकते, पूरा गाँच है, गाँच 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 और कुछ नहीं, और रूम काफ़ी साफ़ है, अच्छा है, बस लाइट नहीं है। लाइट बोला है कि आ जाएगा। सो लेट मी शो यू द रूम फर्स्ट प्रॉपरली। सो दिस इज़ द रूम, नॉर्मल रूम है। ये टीवी है जो कोई काम का नहीं है, मतलब चलता भी होगा कि नहीं। मेरा हेलमेट, मेरा कैमरा, बंजी, एंड दिस इज द वॉशरूम। ठीक है, अच्छा रूम में तो आ गए हैं, अब थोड़ा सा फ्रेश हो ले। फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके विल गोस टू सी द, अभी यहाँ पे क्या है सीन देखने लायक नहीं है, विल गो देर, विल सी एंड आई शो यू, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ यहाँ रहने के लिए ऐसा ऐसा कुछ है, देखने के लिए ऐसा है। तो हमको भी सही से मालूम नहीं है, हम भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। सो आई एम ऑल्सो कमिंग फर्स्ट टाइम, देखेंगे उसके बाद आपको बताएंगे। आने लायक है, लेकिन जहाँ अभी हम लोग रह रहे हैं उसका हमको नाम याद नहीं है, अभी बाहर निकले नाम बताएंगे। सो तब तक के लिए फ्रेश हो जाए, फ्रेश होने के बाद फिर हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर बाद निकलने के टाइम। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट, सो अब हम लोग जा रहे हैं फॉर अ टूर, समथिंग सुंदरी नाम है, वहाँ जाके बताएंगे। सो लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सब बाइक चले गए, मेरी बाइक रह गया, तो अभी निकल रहे हैं हम लोग। एक्शन कैमरा के थ्रू आपको दिखाएंगे क्या है वहाँ पर, ठीक है। सो लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो वी केम टू द पॉइंट जहाँ आना था। सो लेट्स सी यहाँ क्या मिलता है, कुछ ना कुछ तो ढंग का दिख ही जाएगा। यहाँ है अनन्य सुंदरी गेस्ट हाउस, एंड वी आर इन बिटवीन द जंगल। लेट्स सी व्हाट वी गेट हियर। यहाँ घूम लिया फूल लगा के, चंदू बन के, कुछ था नहीं यहाँ ज़्यादा, बस गार्डन है। एक राउंड मार के पूरा गार्डन में, कहानी वहीं ख़त्म हो गया। तो अभी आगे जा रहे हैं, आगे देखते हैं, अगर कुछ दिखेगा तो दिखाएंगे। जगह है और गहरा है, अच्छा
गहरा है कि नहीं नहीं मालूम, लेकिन अंदर जगह है इसका। सर टकरा गया अंदर। राइट, सो बैक टू द होटल जहाँ हम लोग रह रहे, वापस आ गए वहाँ पे। अब वहाँ पर फिश तल के दिया है और काफ़ी लोग हैं जो हमारे साथ है। वहाँ पर फिश चल रहा है, अभी हम लोग भी जाके फिश खाएंगे। फिश फ्राई, अमेजिंग टेस्ट। सो गाइस, दिस इज़ द व्यू अभी रूम से निकल के, ये पोजीशन है। सो एज यू कैन सी, चारों तरफ गाच गाच एंड गाच। Photo session, and session is going on right now. All right, so all record ho gaya liye na, abhi hum video lega isme to.